ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां उत्तराखंड के प्रवासी लॉकडाउन के दौरान फंसे ना हो। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी तक 1.5 लाख से अधिक ऑनलाइन घर वापसी के लिए लाखों आवेदन उत्तराखंड सरकार के पास आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या देख उत्तराखंड सरकार की नींद उड़ गई है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस लाएं तो लाएं कैसे। तो वहीं आज भी महानगरी मुंबई के राहत कैंप उत्तराखंड के हजारों की संख्या में युवक फंसे हुए हैं और ये सब के सब फंसे हुए लोग कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई तक हर एक के बीच मदद पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड के समाज सेवी मोहन काला उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए भगवान साबित हो रहे हैं, जहां उनके द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था कराई जा रही है। मोहन काला ने उत्तराखंड के थैली सैन ब्लॉक के एक बीमार युवक के लिए घर जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था कराई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाला युवक को बेरोजगारी के चलते पैरालिसिस का अटैक पड़ा। अस्पताल से इलाज कराने के बाद बेरोजगारी के चलते ही लोग सड़क पर आ गए थे, जिसके बाद समाज सेवी मोहन काला ने अपने सफल प्रयास से महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद काला ने बीमार युवक को उसके गृह स्थान पौड़ी तक एम्बुलेंस से पहुंचाने का काम किया और इस सहायता के लिए बीमार युवक ने समाज सेवी मोहन काला का आभार प्रकट किया। आनंद सिंह राणा, ग्राम कपरौली, थलीसैंड का लड़का, 20 साल का लड़का है ये, और इसके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चा है और मुंबई में एक छोटे से होटल में यहाँ पे काम करता था। करीब करीब 4 हफ्ता पहले इसको पैरालिटिक अटैक आया, ब्रेन में भी इसको प्रॉब्लम थी इसकी, और इसको इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल में इसको भर्ती किया गया। हमारी तरफ से जो भी बन सकता था हमने इसका इलाज के लिए खर्चा दिया, रहने खाने का भी दिया, साथ में इसके साथ में 2 बच्चे इसके साथ में रखे हमने, इन्हीं के गांव के थे, उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि भी आप रहिए उनके साथ में, तैयार हो गए लोग। एक का नाम दीपक राणा था, दूसरे का नाम नरेंद्र था, ये भी कपरौली के थे। ये लोग वहाँ रहे, उसके साथ में रहे, उसकी देखभाल की, हर तरह से उसकी देखभाल की, और 1 हफ्ता पहले उसको अस्पताल से रिलीज कर दिया गया, लेकिन रहने के लिए कहीं था नहीं, इसलिए गेट के पास ये लोग रहने लगे किसी भी तरह से, कहीं लेके जाने का भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आज की तारीख में जब कोरोना महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए किसी बिल्डिंग में अलाउड नहीं था उसको जाने के लिए, तो ये लोग वहाँ पे रहे। इन्होंने बहुत गुहार लगाई, सबने गुहार लगाई कि किस तरह से मंत्री, हमारे यहाँ के मंत्री, हमारे यहाँ के संतरी, हमारे विधायक, अधिकारी कुछ इनको मदद कर सके, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। सौभाग्यवश मेरी कुछ पहचान थी हैदराबाद के कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से, और बॉम्बे के आईजी कमिश्नर से, आईजी साहब से, इस पुलिस के, उनसे मेरी बात हुई और उनके माध्यम से मैं उसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।